अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स मैं हूं अब्दुल कुद्दूस बेग आपका फिजिक्स टीचर स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर नंबर फोर के टू न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल नंबर सेवन एंड न्यूमेरिकल नंबर एट तो स्टूडेंट्स लेक्चर को स्टार्ट करने के लिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर फोर पॉइंट सेवन विच स्टेट्स दैट हंड्रेड न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू ऑवरकम रोड फ्रिक्शन एंड एयर रेजिस्टेंस इन प्रोपेलिंग एंड ऑटोमोबिल किलोमीटर पर आवर वट पावर इन किलो वॉट मस्ट द इंजन डिवेलप डियर स्टूडेंट्स ये नूमेरिकल भी बहुत ही सिंपल है तो स्टूडेंट्स नूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले गीवन डाटा लिखेंगे तो स्टूडेंट्स जैसा कि स्टेटमेंट में गिवन है द वैल्यू ऑफ द फोर्स विच इज ऑल्सो कॉल्ड थ्रस्ट इसे हम एफ से रिप्रेजेंट करेंगे और इसकी वैल्यू है 400 हंड्रेड न्यूटन नाउ स्टूडेंट द वैल्यू ऑफ द स्पीड ऑफ द ऑटोमोबिल इज ऑल्सो गिवन तो हम लिख सकते हैं द स्पीड ऑफ द ऑटोमोबिल विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई वी इज इक्वल टू एटी किलोमीटर पर आवर लेकिन स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि स्पीड का यूनिट है मीटर पर सेकंड्स। तो 80 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हम 80 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3600 से डिवाइड करेंगे बिकॉज स्टूडेंट्स देयर आर 1000 थाउजेंड इन वन किलोमीटर एंड 3600 सेकंड्स इन वन आवर तो स्टूडेंट्स हमारा यूनिट आएगा मीटर पर सेकेंड तो स्टूडेंट्स जब हम एटी को वन थाउजेंड से मल्टीप्लाई करवाने के बाद थर्टी सिक्स हंड्रेड से डिवाइड करवाएंगे तो स्टूडेंट्स हमारा रिजल्ट आएगा ट्वेंटी टू पॉइंट टू टू मीटर पर सेकेंड नाउ स्टूडेंट्स गिवन डाटा लिखने के बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी टू फाइंड की व्हाट इज रिक्वायर्ड इन दिस न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स वी हैव टू फाइंड द पावर ऑफ द इंजन तो यहां पर हम लिखेंगे पावर पी ऑफ द इंजन इज रिक्वायर्ड नाउ स्टूडेंट्स पावर की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे तो स्टूडेंट्स पावर की बेसिक डेफिनेशन है द रेट ऑफ डूइंग वर्क आपके माइंड में मे भी ये फॉर्मूला आए पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टी लेकिन स्टूडेंट्स हमने चैप्टर नंबर फोर में पावर का एक और फॉर्मूला डिराइव किया था इन टर्म्स ऑफ विलोसिटी तो स्टूडेंट्स वो फॉर्मूला क्या था पावर पी इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एफ एंड वेलोसिटी और स्पीड वी तो स्टूडेंट्स जब हम डॉट को रिमूव करेंगे तो हम लिखेंगे एफ वी कोज थीटा नाउ स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर वन कह सकते हैं इक्वेशन नंबर वन को हम यूज करेंगे पावर की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए तो स्टूडेंट्स अब हम जस्ट इक्वे नंबर वन में वैल्यूज पुट करेंगे ताकि हम पावर की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकें लेकिन स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि डाटा में थीटा की वैल्यू मिसिंग है तो फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स दिस इज द ऑटोमोबिल जो कि टुवर्ड्स राइट मूव कर रही है विथ अ स्पीड ऑफ वी तो स्टूडेंट्स जिस डायरेक्शन में ऑटोमोबल की स्पीड होगी उसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगी इंजन की तरफ से तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि फोर्स और स्पीड और विलोसिटी दोनों पैरल हैं तो स्टूडेंट्स इस केस में थीटा की वैल्यू हम क्या कंसिडर करेंगे जीरो डिग्री तो स्टूडेंट्स अब हम अपनी नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे सोल्यूशन की डियर स्टूडेंट्स टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पावर पी अब हम जस्ट इक्वे नंबर वन में वैल्यूज पुट करेंगे तो बाय पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वे नंबर वन द वैल्यू ऑफ फोर्स एफ इज इक्वल टू फोर हंड्रेड न्यूटन एंड स्टूडेंट्स द वैल्यू ऑफ स्पीड और विलोसिटी ऑफ द ऑटोमोबिल इज इक्वल टू ट्वेंटी टू पॉइंट टू टू मीटर पर सेकेंड एंड स्टूडेंट्स वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री तो स्टूडेंट्स जैसा कि आपको मालूम है कोज जीरो डिग्री का आंसर किसके इक्वल होता है वन के इक्वल तो स्टूडेंट्स जब हम इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा एट थाउजेंड एट हंड्रेड एंड एटी एट और अगर स्टूडेंट्स हम यूनिट की बात करें तो यूनिट हम लिखेंगे न्यूटन मीटर पर सेकेंड नाउ स्टूडेंट्स अगर हम पावर के यूनिट की बात करें तो आपको मालूम है पावर का ऐसा यूनिट है वॉट जो कि किसके इक्वल होता है जूल पर सेकेंड के इक्वल तो स्टूडेंट्स जूल किसके इक्वल होता है न्यूटन मीटर के इक्वल तो अगर हम डिनोमिनेटर में मौजूद सेकेंड को टर में शिफ्ट करेंगे तो हम लिखेंगे पर सेकेंड तो नतीजा ये निकला कि न्यूटन मीटर पर सेकेंड किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स वॉट के इक्वल तो यहां पर हम अपना आंसर यूनिट्स में लिखेंगे लेकिन स्टूडेंट्स स्टेटमेंट में मेंशन था कि हमने इंजन की पावर की वैल्यू को कैलकुलेट करना है इन किलोवाट। तो स्टूडेंट्स अपने फाइनल आंसर को किलो में कन्वर्ट करने के लिए हम अपने फाइनल आंसर को थाउजेंड से डिवाइड करेंगे तो आफ्टर डिवाइडिंग बाय थाउजेंड हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा इन किलोवाट तो स्टूडेंट्स जब हम पावर की वैल्यू को थाउजेंड से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा एट पॉइंट एट 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 और अगर हम इस आंसर को राउंड ऑफ करें तो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा 8.9 पॉइंट नाइन किलो वॉट डियर स्टूडेंट दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ द पावर ऑफ द इंजन इन किलो वॉट विच इज इक्वल टू एट पॉइंट नाइन तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि किस तरह से हमने इंजन की पावर को कैलकुलेट किया यूजिंग the formula of the power in terms of velocity v dear students yetha numerical number 4.7 ka solution dear students start karte numerical number 4.8 which states that how large a force is required to accelerate an electron whose mass is 9.1 into 10 raised per minus 31 kilogram फ्रॉम रेस्ट टू अ स्पीड ऑफ टू इंटू टेन रेस्ट टू पर सेवन मीटर पर सेकेंड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ फाइव सेंटीमीटर वेरी सिंपल नो मेडिकल स्टूडेंट लेकिन सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे स्टूडेंट्स जैसा कि स्टेटमेंट में मैंशंट है द मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू इज इक्वल टू नाइन पॉइंट वन इंटू टेन रेस टू पार माइनस थर्टी वन किलोग्राम एंड स्टूडेंट्स द इनिशियल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जीरो मीटर पर सेकेंड बिकॉज इट इज एट रेस्ट तो हम लिखेंगे इनिशियल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसे हम वी आई से रिप्रेजेंट करेंगे एंड इट इज इक्वल टू जीरो मीटर पर सेकेंड एंड स्टूडेंट्स द फाइनल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो गिवन जो कि वी एफ की इक्वल होगी और इसकी वैल्यू है टू इंटू टेन रेज टू पार सेवन मीटर पर सेकेंड नाउ स्टूडेंट्स द वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो गिवन जिसे हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे एंड इट इज इक्वल टू फाइव सेंटीमीटर अगर हम फाइव सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें तो स्टूडेंट्स फाइव को हंड्रेड से डिवाइड करेंगे आफ्टर डिवाइडिंग बाय हंड्रेड हमारा रिजल्ट आएगा जीरो पॉइंट जीरो फाइव मीटर्स नाउ स्टूडेंट्स गिवन डाटा को कंप्लीट करने के बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी टू फाइंड की तो स्टूडेंट्स जैसा कि स्टेटमेंट में मैंशन है वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स विच इज रिक्वायर्ड टू मूव द गिवन इलेक्ट्रॉन नाउ स्टूडेंट्स हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी फॉर्मूला की तो स्टूडेंट्स इस न्यूमेरिकल को हम किस फॉर्मूला की मदद से सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा इस न्यूमेरिकल में हम वर्क इनर्जी प्रिंसिपल को यूज करेंगे जिसके मुताबिक हम लिख सकते हैं फ्रॉम वर्क इनर्जी प्रिंसिपल वी कैन राइट दैट द वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी तो स्टूडेंट्स वर्क डन किसके इक्वल होगा द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिसप्लेसमेंट और डिस्टेंस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आएगी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी नाउ स्टूडेंट्स अगर हम फाइनल और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूलाज भी लिखें तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे वन बाय टू एम वी एफ स्क्वेयर माइनस वन बाय टू एम वी आई स्क्वेयर और स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर वन कह सकते हैं नाउ स्टूडेंट्स फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए अब हम जस्ट इक्वेशन नंबर वन में वैल्यूज को पुट करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारी नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी सॉल्यूशन की After putting the values in equation number 1, we can write that force will remain as it is because it is unknown here. 0.05 meters is equal to students' right hand side say hum 1 by 2 m ko common. So after taking 1 by 2 m common, to students. मैथ की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे मैथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज गिवन विच इज इक्वल टू नाइन पॉइंट वन इंटू टेन रेज टू पार माइनस थर्टी वन किलोग्राम और स्टूडेंट्स ब्रैकेट्स में कौन सी वैल्यूज आएंगी फाइनल वेलोसिटी और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज इक्वल टू टू इंटू टेन रेज टू पार सेवन मीटर पर सेकेंड होल स्क्वेयर और स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन की इनिशियल स्पीड और वेलोसिटी किसके इक्वल है जीरो मीटर पर सेकेंड के इक्वल होल स्क्वेयर एज इट इज आएगा नाउ स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड में मौजूद वैल्यूज फिल वक्त एज इट इज ही रहेंगी नाउ स्टूडेंट्स जब हम 9.1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा फोर 5 फाइव फाइव इंटू टेन रेज टू पार माइनस थर्टी वन किलोग्राम इंटू फाइनल स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच इज इक्वल टू टू इंटू टेन रेज टू पार सेवन मीटर पर सेकेंड होल स्क्वेयर माइनस इनिशियल स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच इज इक्वल टू जीरो मीटर पर सेकेंड होल स्क्वेयर नाउ स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड में मौजूद वैल्यूज फिल वक्त एज इट इज ही रहेंगी स्टूडेंट्स जब हम 9.1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा फोर पॉइंट फाइव फाइव इंटू टेन रेस्टू पार माइनस थर्टी किलोग्राम नाउ स्टूडेंट्स जब हम 2 का स्क्वायर लेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 4 इंटू टेन टू पार सेवन का स्क्वायर लेंगे तो हम लिखेंगे इंटू टेन टू पार फोरटीन और अगर यूनिट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे मीटर स्क्वेयर पर सेकेंड स्क्वेयर नाउ स्टूडेंट्स जैसे कि आपको मालूम है जीरो का स्क्वायर जीरो ही होता है तो इस वैल्यू को हम इग्नोर करेंगे नाउ स्टूडेंट्स जब हम राइट हैंड साइड में मौजूद तमाम वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स दैट जब हम 4.55 पॉइंट फाइव फाइव इंटू टेन पर माइनस थर्टी वन को फोर इंटू टेन रेस्ट पर 14 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा एटीन पॉइंट टू इंटू टेन रेस्टू माइनस सेवनटीन और स्टूडेंट्स यूनिट्स क्या आएंगे किलोग्राम मीटर स्क्वेयर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में मौजूद 0.05 पॉइंट को हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये डिनोमिनेटर में आएगी वैल्यू तो स्टूडेंट्स जब हम 18.2 पॉइंट टू इंटू टेन माइनस सेवनटीन को 0.05 से डिवाइड करवाएंगे तो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा 3.64 पॉइंट सिक्स फोर इंटू टेन पर माइनस फिफ्टीन और अगर स्टूडेंट्स यूनिट की बात करें तो स्टूडेंट्स एक मीटर एक मीटर से कैंसिल होगा तो रिमेनिंग यूनिट्स क्या आएंगे स्टूडेंट्स किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर जो कि आपको मालूम है किसके इक्वल होते हैं न्यूटन के इक्वल तो स्टूडेंट्स फोर्स की फाइनल वैल्यू न्यूटन में किसके इक्वल आएगी 3.64 पॉइंट सिक्स फोर इंटू टेन रेज टू पार माइनस फिफ्टीन न्यूटन नाउ स्टूडेंट्स दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ द फोर्स विच इज रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मैस नाइन पॉइंट वन इंटू टेन रेज टू पार माइनस थर्टी वन किलोग्राम तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि किस तरह से हमने इस नुमेरिकल को सॉल्व किया बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ वर्क एनर्जी प्रिंसिपल विच स्टेट्स दैट वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इट्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो स्टूडेंट्स ये था नुमेरिकल नंबर फोर पॉइंट एट का सोल्यूशन जी स्टूडेंट्स जैसे कि आपने देखा कि आज के लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल नंबर सेवन एंड नुमेरिकल नंबर एट के सोल्यूशन को डिस्कस किया है तो मैं उम्मीद करता हूं कि इन दोनों नोमेरिकल्स के सोल्यूशन आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे स्टूडेंट्स इनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज